संसद की कार्यवाही मंगलवार से नए संसद भवन में शुरू हो गई है और अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दे दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नया नाम देने को लेकर अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष भूखंड संख्या 116 नई दिल्ली में स्थित भवन, जिसे पहले संसद भवन कहा जाता था और जिसके उत्तर पश्चिम में लोकसभा मार्ग और दक्षिण पश्चिम में राज्यसभा मार्ग है, को आज से संविधान सदन के रूप में अधिसूचित करते हैं। मंगलवार को सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पुराने संसद भवन की गरिमा और महत्व को बरकरार रखने का अनुरोध करते हुए यह नाम रखने का सुझाव दिया था। दोपहर में नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन सदन का संचालन करते समय लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन को सूचित किया कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा और बाद में लोकसभा सचिवालय ने महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से नए नाम को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डरबन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया था। यह भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का गवाह रहा है। इसकी पहली मंजिल पर लाल बलुआ पत्थर से बने गोलाकार 144 स्तंभ वास्तुशिल्प के आभूषण माने जाते हैं। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार को संसद के पुराने भवन में हुई और अगले दिन से संसद की कार्यवाही नए भवन में हुई। इसके साथ ही संसद का पुराना भवन इतिहास के पन्नों में सिमट गया। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पहले दिन संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर सांसद चर्चा करेंगे और इसके साथ ही पुराने संसद भवन की लोकतांत्रिक यात्रा पर विराम लग गया। पुराना संसद भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का गवाह रहा है। यह संसद भवन कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। अब जब पुराना संसद भवन, लोकतांत्रिक परंपराएं और कार्यवाही नए संसद भवन परिसर में स्थानांतरित हो गई हैं, ऐसे में पुराने संसद भवन का इतिहास का जानना काफ़ी रुचिकर और समय की मांग है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डरबन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया था। इस इमारत ने ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन, दूसरा विश्व युद्ध, स्वतंत्रता की सुबह, संविधान बनने से लेकर कई विधेयकों को पारित होते देखा है। संसद में कभी गतिरोध हुए, कभी हंगामा हुआ तो कभी विवाद भी पैदा हुए और लोकतंत्र का यह इमारत उसका गवाह रहा। इस साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद परिसर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कहा था कि नया भवन सशक्तिकरण, सपनों को प्रज्वलित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने का उद्गम स्थल बनेगा। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नए संसद भवन में तिरंगा फहराकर इसका शुभारंभ किया है। पुराना संसद भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी पहली मंजिल पर लाल बलुआ पत्थर से बने गोलाकार के 144 स्तंभ वास्तुशिल्प के आभूषण माने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जब साल 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की, उस समय दिल्ली के रायसेना हिल क्षेत्र में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन उद्घाटन के समय भव्य आयोजन किया गया था। ब्रिटिश काल में संसद भवन का नाम काउंसिल हाउस था। पुराने संसद के कुल व्यास 560 फुट एवं 1/3 मील की परिधि वाली इस इमारत को सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। सर एडविन लुटियंस के साथ रायसेना हिल क्षेत्र में नई शाही राजधानी को डिज़ाइन करने के लिए चुना गया था। न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ ए कैपिटल नामक पुस्तक के अनुसार उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन अपनी गाड़ी में ग्रेट प्लेस आए थे और सर हर्बर्ट बेकर ने उन्हें सुनहरी चाबी सौंपी थी। उससे उन्होंने काउंसिल हाउस का दरवाजा खोलकर इसका उद्घाटन किया था। पुराना संसद भवन लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार ए जी के मेनन का कहना है
कि संसद भवन केवल एक इमारत नहीं है, यह इस भवन में इतिहास और लोकतंत्र का भंडार छिपा हुआ है। जबकि नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया है। मेनन बताते हैं कि संसद के पुराने भवन ने आज़ादी की सुबह देखी थी। पुराने संसद भवन में 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था। यहाँ संविधान सभा की कई बैठकें हुईं और देश को नया संविधान मिला था। और अब वह यह संसद भवन नए भवन को अपने विरासत सौंपने के लिए तैयार है। कैसा है हमारा नया संसद भवन? संसद का नया भवन वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की कहानियां चित्रित करता है। संसद के नए भवन में मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। नए भवन के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में लोकतंत्र की विकास यात्रा को विभिन्न वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। संसद का नया भवन श्री यंत्र से प्रेरित है, जिसका इस्तेमाल हिंदू परंपराओं में पूजा के लिए होता है और इसे पवित्र ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के जीवंत लोकतंत्र में नए अध्याय की शुरुआत करते हुए नया संसद भवन आशा और प्रगति के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। यह हमारे राष्ट्र की आकांक्षाओं को और हमारे भविष्य की अनंत संभावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में भारतीय संविधान की एक डिजिटल प्रति रखी गई है, जिसमें आधुनिकता का भाव है। इसमें फू को लोलक भी रखा गया है, जो पृथ्वी के परिक्रमण को दर्शाता है। यह लोलक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की त्रिभुजाकार छत से एक बड़े स्काई लाइट से लटका है और ब्रह्मांड के साथ भारत के विचार को झलकाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में डिजिटल मतदान प्रणाली आधुनिक दृश्य श्रव्य प्रणाली के साथ बेहतर एकॉस्टिक व्यवस्था है। नए भवन में 3 खंडों में महात्मा गांधी, चाणक्य, गार्गी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अंबेडकर के साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित सूर्य चक्र की बड़ी कांस्य छवियां हैं। नए भवन के प्रवेश मार्ग 3 गैलरी की ओर जाते हैं, जिनमें भारत की नृत्य, गीत और संगीत परंपराओं को दर्शाने वाली संगीत गैलरी, देश के वास्तुशिल्प को दर्शाने वाली स्थापत्य गैलरी और विभिन्न राज्यों की हथकरघा परंपराओं को दर्शाने वाली शिल्प गैलरी है। नए भवन में पेंटिंग, भित्ति चित्रों, पत्थर की मूर्तियों और धातु की कृतियों समेत करीब 5,000 कलाकृतियां हैं। लोकसभा चैम्बर का आंतरिक स्वरूप राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का स्वरूप राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। अधिकारियों के अनुसार संगीत गैलरी के लिए अनेक महान संगीतज्ञों के परिजनों ने उनके वाद्य यंत्र प्रदान किए हैं, जिनमें उस्ताद अमजद अली खान, पंडित हरप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान और पंडित रविशंकर शामिल हैं।